रमज़ान की पहली तारीख है, इस बरकतों का महीना, रहमत का महीना शुरू हो गया। ये अशरा रहमत का है और ये खानकाए नियाज़िया में पूरे 30 दिन रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम होता है। और आज हज़रत ताजुल औलिया शाह निज़ामुद्दीन हुसैन साहब क़िबला रज़ियल्लाहु अन्हु का उर्स मुबारक है, और इसलिए बरेली और बाहर के और दूसरे सूबों से भी मुरीदीन आए हुए हैं इसमें शिरकत करने। ये बड़ा मुतबर्रिक महीना है, यहाँ हमेशा इसी सूरत से खानकाए नियाज़िया में रोज़े इफ्तार का अहतमाम किया जाता है और यहाँ हज़ारों अकीदतमंद आते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं। ये बड़ा बरकतों का महीना है क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इस महीने में कुरान मुबारक उतरा है और रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं, तो इसकी बड़ी बरकतें हैं। इसको इसलिए ये हुदलिन नास है, तमाम लोगों के लिए हिदायत है। इसमें मुसलमान हिंदू सिख ईसाई नहीं है, कुरान में अल्लाह हुदलिन नास कहता, मतलब तमाम लोगों के लिए हिदायत है। ये कुरान पाक उतरा है, इसमें मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इबादत करते हैं, रियादत करते हैं। और रोज़ा सिर्फ हाथ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, रोज़े का मकसद ही यही होता है कि हर जिस्म का हर हिस्सा इसमें इबादत में मसरूफ़ रहे, किसी को गलत नज़र से नहीं देखे, किसी की गलत बातें ना सुने, गइबत ना करे, गुस्सा ना करे, और इबादत और रियाजत में अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजारे। ये एक ऐसा महीना है जो मुसलमान के लिए बहुत अहम रखता है, इसमें अल्लाह ने बड़ी रहमतें बरकतें अता फरमाई हैं। तो हम सबको ये चाहिए रोज़ा रखें और रोज़े का एहतराम करें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारा रोज़ा ख़राब हो जाए, क्योंकि हमेशा इसमें सच बोलना चाहिए। और क्योंकि आपका हाथ पैर सभी का रोज़ा होता है, जिस्म के हर अज़ा का रोज़ा होता है। खानकाह नियाज़िया के रोज़े की इफ्तार की अहमियत और इनफरादियत ये है कि इसमें हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं, गैर मुस्लिम भाई भी आते हैं जो यहाँ रोज़ा इफ्तार करते हैं, रोज़ा इफ्तार कराने वालों में मदद करते हैं। ये बड़ी जो भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब का ये संगम दिखता है यहाँ पर। ठीक है।